हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन है आप? सीढ़ियों से कहाँ जा रही है आप? मैडम मैडम रुकिए। तीन माले पे गई ये अभी तो यही थी, ये कहाँ गायब हो गई? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? ये आवाज क्यों आ रही है यहाँ से? बोलो, ये आदमी क्यों चिल्ला रहा है? देखो दूर हो, मैं कहता हूँ दूर हो, आगे मत आना। ये आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन हो तुम बताओ मुझे, कौन हो? क्या हुआ लक्ष्मी? नहीं शोर कैसे? ये 303 से आवाज आ रही है। पूनम और अजय रहते हैं, लगता है अंदर कुछ हुआ है। पीछे हटो, पीछे हटो। देख देख देखते हैं चल के। क्या करो तुम यहाँ? देखो हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हट जाओ। पूनम साहब, अजय मैम साहब, रुको, मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पूनम साहब, साहब दरवाजा खोलो साहब। ये बुरी औरत है जो सुबह से ऊपर आई है। क्या बात कर रहे हो? ये वो अंदर कैसे गई है? ओ गॉड, क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ, एक मिनट। ये वही है जो सीढ़ियों से चढ़कर आई थी। चाकू से वार किया, कौन है?
कौन है ये आदमी? पहचानते हो तुम? नहीं सर, पहले तो कभी इसे इस बिल्डिंग में देखा नहीं, पता नहीं कौन है। सर मैंने इस बिल्डिंग में इसको किसी के यहाँ आते जाते नहीं देखा, और पक्का सर ये बाहर का ही आदमी था। घर किसका है ये? सर इस घर में मैं रहता हूँ, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। वैसे जब ये हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? हम शहर से बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। आपके फ्लैट में एक अजनबी घुसता है और उसका खून हो जाता है, कैसे? सर हमें भी नहीं पता सर। साहब कल रात हमने एक औरत को देखा था साहब, उसी ने खून किया है साहब। कौन औरत? साहब ये जो पेंटिंग में औरत है ना साहब, इसी ने ये स्टूडियो से ऊपर आई और फिर इस फ्लैट में घुस गई साहब। क्या तुम्हारा मतलब है पेंटिंग में ये जो ये औरत की तस्वीर बनी है इसने खून किया? हाँ साहब इसी ने साहब, और इसी के हाथ में हमने चाकू भी देखा है साहब। क्या बात कर रहे हो, ये औरत घर से बाहर कैसे जा सकती है अंदर आने के बाद? वही तो सोचकर हम भी परेशान है साहब, लेकिन साहब ये जो आदमी है ना ये इसकी आवाज आ रही थी, ये बहुत चिल्ला रहा था। और सर जैसे ही हम लोग अंदर आए वो औरत कहीं गायब हो गई। अरे बंद कमरे के अंदर से वो बाहर जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? बात बता, क्या तुम्हारे घर में बाहर जाने का कोई और भी रास्ता है? नहीं सर, बस यही एक दरवाजा है। सर एक मिनट प्लीज। सर ये लोग सही कह रहे हैं सर, हमने चेक किया है, यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। सर खिड़की पर भी लोहे की मजबूत जाली लगी, यहाँ से भी कोई बाहर नहीं जा सकता। सर हाँ? ये देखिए हाथ पे निशान है, जैसे किसी चीज से घिसे या रगड़े गए हो। और सर हाँ? जूते पे भी घिसने की निशान है, मट्टी और रेत लगी हुई है। सर ये हाथों पे जो निशान है शायद रस्सी से चढ़ने से हुए हो सकता है, किसी न किसी रास्ते से तो ये आदमी इस बिल्डिंग के अंदर आया। पूरी बिल्डिंग चेक करो। दरवाजा खुला है? ये तो टूटा हुआ है, फोर्स एंट्री है। हाँ अभिजीत, ये देखो ये पाइप्स देखो अभिजीत, जरूर इसी पाइप से वो ऊपर आया है टेरेस पर। सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, उनसे बचने के लिए इस पाइप से चढ़ के आया, वहां छत का दरवाजा तोड़ा और फ्लैट के अंदर चला गया। हाँ मगर सर इतनी रात को फ्लैट में करने क्या गया था? अपना खून करवाने? नहीं पंकज, नहीं। डायनामाइट अभिजीत, डायनामाइट। माय गॉड, पंकज संभाल के ले जाओ इसे सालुंखे के पास। बिल्डिंग में करने क्या आया था? बिल्डिंग उड़ाने आया था क्या? वही तो समझ नहीं आ रहा है, ये एक आदमी डायनामाइट लेकर आता है, बिल्डिंग में छुप कर बैठा है और रात को आधी रात को फ्लैट के अंदर घुसता है, और उसी फ्लैट के अंदर उसी का खून भी होता है। ये सारा चक्कर क्या है? डायनामाइट, उसका खून, बहुत बड़ी गड़बड़ है अभिषेक, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर हाँ तारिका। सर जो लाश आपने भिजवाई थी उस पर चाकू का बस एक ही बार किया गया, बिल्कुल तेज और सटीक, जिससे तुरंत उसकी मौत हो गई। अच्छा और क्या पता चला? और उसके एक पैर पर घुटनों के जरा सा ऊपर जलने के निशान भी पाए गए, जिसका इलाज भी उसने करवाया था। अच्छा तारिका, डायनामाइट का क्या पता चला? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर डायनामाइट की कैपेसिटी अलग अलग होती है,
और इतनी कैपेसिटी वाला डायनामाइट ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले इस्तेमाल करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। ये इतना पावरफुल डायनामाइट कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बाजार में गए और खरीद ली? हाँ सर, इसके लिए तो काफी सारी परमिशन और पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। वही तो सर। तो हो सकता है इस आदमी के पास जो डायनामाइट था वो उसने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से चुराया हो। हाँ हो सकता है, और ऐसी कंपनी भी गिनी चुनी होगी। पता लगाना पड़ेगा दया, कौन सी कंपनी है जो इस तरह का डायनामाइट इस्तेमाल करती है। अभिजीत, इस अजय और पूनम से पता लगाओ कि वो पेंटिंग वाली औरत है ना, वो पेंटिंग कहां से खरीदी है। सर, दो कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो कुछ पता नहीं चला। देखते हैं इस बची हुई बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो यहां के मैनेजर से मिलते हैं। देखो वहां पर प्लास्टर हो जाए तो फिर दो आदमी को ऊपर भेज देना वहां पर। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप इस साइट के मैनेजर? जी सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये देखिए डायनामाइट। जी हाँ, डायनामाइट। आप लोग ये डायनामाइट बिल्डिंग गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, ऐसे ही डायनामाइट हम हमारी पुरानी बिल्डिंग गिराने में ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग रखते हैं ये डायनामाइट? जी हाँ। तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम करते हो? सर, काफी सेफ जगह पर रखते हैं, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। जरा दिखाएंगे कहाँ रखते हैं? हाँ हाँ, आइए इस तरफ। चलिए सामने इस तरफ। आइए सर इस तरफ। आइए, ये देखिए, ये रहे डायनामाइट्स और ये रहा उसका सारा हिसाब किताब। पंकज जरा बॉक्स चेक करो। सर हमारे पास सारे पेपर्स हैं। सर हमारे पास ये सारे डायनामाइट्स काफी सेफ है। सर 6 बॉक्सेस है। 6? यहाँ आपके रजिस्टर में तो बता रहे कि 7 बॉक्सेस। 6 कैसे? नहीं, यहाँ तो सारे बॉक्सेस होने चाहिए। पर यहीं कहीं होगा सर, यहीं कहीं होगा। सर लगता है डायनामाइट आदमी ने यहीं से चुरा है। क्यों, कहाँ गया बॉस? कौन कौन आ सकता है इधर? कौन होता है जो इधर? बुलाओ, सबको बुलाओ यहां। तुम्हारे साइट के स्टोर रूम में डायनामाइट के 7 बॉक्सेस थे। 7 बॉक्सेस, उसमें से एक बॉक्स गायब है। डायनामाइट का एक बॉक्स गायब है। किसने गायब किया वो बॉक्स? किसने गायब किया? सच सच बताओ। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं जानते हो तो फिर मुंडी नीचे क्यों? बताओ जल्दी। तो उसने मुझे पैसे का लालच दिया था। अच्छा, लेकिन मैंने मना कर दिया था सर। ये देख, ये आदमी था वो? नहीं सर, वो एक औरत थी। क्या औरत? हाँ सर, औरत थी। वो मुझे लाख रुपए देकर डायनामाइट लेना चाहती थी मुझसे।
फिर? सर मैंने मना कर दिया। सत्यवादी जो ठहरे तुम, हाँ? तुमने मना कर दिया, फिर भी बॉक्स गायब है। तुमने पैसे नहीं लिए तो बॉक्स गायब है, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, वो पैसे मैंने नहीं लिए सर, वो सारे पैसे 500 और 1000 के नोट में थे, मैंने मना कर दिया सर। हाँ सर, लेकिन जब सुबह आया यहाँ तो देखा कि डायनामाइट का एक बॉक्स गायब था। अच्छा, तुमने पैसे नहीं लिए तो उसने वो बॉक्स चुरा लिया है ना? उस औरत का स्केच बनवाओ इससे, पता लगा लेंगे है कौन ये औरत। सर यही वो दुकान है जहां से अजय और पूनम ने वो पेंटिंग खरीदी थी। आइए, यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की सबसे खास, उम्दा और अनोखी किस्म की कलाकृतियाँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ जानने आए हैं। हम लोग CID से हैं। एक औरत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। औरत? ये है वो औरत। देखिए, खून हो गया है, उसी सिलसिले में इस औरत से कुछ पूछताछ करनी है। और इस औरत की पेंटिंग आप ही की दुकान से बेची गई है। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा इसके बारे में, और हो गया। आपको पता था? आप जानते हैं इस औरत को कहाँ मिलेगी? देखिए साहब, वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है? जी मर चुकी है, 50 साल पहले। क्या, 50 साल पहले? जी, इसका नाम मालिनी है और ये रजवाड़ी खानदान की, मगर शादी के दिन ही उसका खून हो गया था। खून? किसने किया था खून? वो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अभी जो खून हुआ है वहाँ पे लोगों ने इस औरत को देखा है। सर, इस तस्वीर में उसकी आत्मा है। और अभी भी वो अपना बदला लेने के लिए बराबर आती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो लोगों ने देखा है वो शायद उसकी आत्मा होगी। आत्मा? पता नहीं वो कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मैंने वो तस्वीर खरीद ली। वो तो अच्छा हुआ कि अजय जी और पूनम जी आईं और उन्होंने वो खरीद लिया, मैंने उनको सस्ते में दिया और मेरी जान छूटी सर उससे। ठीक है, ऐसा लगता है किसी ने इस मालिनी के बारे में पता किया और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर रहा है। इस पेंटिंग को फिर से चेक करना पड़ेगा। तुम जाओ, जरा उस पेंटिंग को लेके आओ, जाओ। शांति से बैठ जाइए प्लीज। और ऐसा कैसे? अरे आपको जो भी बोलना है ना, वन बाय वन बोलिए प्लीज। बैठिए, बैठिए, बोलिए। देखिए सेक्रेटरी साहब, वॉचमैन के होते हुए कोई आके बिल्डिंग में खून कर जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ज्यादातर रात में फ्लाइट्स पर जाती हूँ, अगर यही सब चलता रहा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमने तो अपनी जान पर खेल कर उसका पीछा किया था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अजय जी, मेरी मानिए तो सबसे पहले आप उस पेंटिंग को अपने घर से निकाल दीजिए। अनीता जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और उस पेंटिंग का खून से क्या लेना देना? देखिए साहब लोग, अब हम अकेले पहरेदारी नहीं करेंगे यहाँ पर, बस बता देते हैं। देखिए, अब मैं इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। हे भगवान, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। एक्सक्यूज मी, मुझे भी कल जल्दी जाना है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्या मैडम, आप भी हमारा नाम लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आप? ऑफिसर, आप इस वक्त? जी हाँ, दरअसल मैं उस पेंटिंग को लेने आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, क्या करूं? वॉचमैन, कोई है? हमें उस पेंटिंग से कुछ पूछताछ करनी है। अब मेरा मतलब है कुछ टेस्ट करने। हाँ सर, उस मनुज पेंटिंग को लेकर ही जाइए आप। अरे आप उदास मत होइए, आपकी प्यारी पेंटिंग का काम खत्म होते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है सर,
आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। ये आवाज किसकी है? आवाज यहाँ से आई है। मैं हूँ ना, डरो मत, डरो मत। अरे डरिए मत। मैं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो मैं नहीं हूँ। मेघना, मेघना क्या हुआ तुम्हें? मेघना, मेघना तुम ठीक तो हो ना? वो आई थी, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डालेगी। देखा, वो पेंटी के लिए वापस आई है। तू उस पेंटी को फेंक दे उसे। लेकिन गई कहाँ? अरे हम सब तो सीढ़ियों से ऊपर आए थे, फिर वो जा कहाँ सकती है? कहीं वो अंदर तो नहीं है? चलो पेंटिंग वाली औरत तो वापस आ गई, अभी तो यहाँ थी नहीं। ये अपना शिकार ढूंढने के लिए पेंटिंग से बाहर आती है और शिकार करके वापस पेंटिंग में चली जाती है। ये आत्मा है, आत्मा हमें सही जा रही है, आत्मा है। एक मिनट आप लोग जरा शांत हो जाएंगे। यहाँ पे कोई है जो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। ये हमें मार डालेगी सर। कमाल करते हैं आप लोग, ये औरत पेंटिंग में से गायब हो गई और वापस चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जरा चुप रहोगे? सर, सर वॉचमैन सच बोल रहा है, इस पेंटिंग में जो औरत है ना वो गायब थी, मैंने अपनी आंखों से देखा सर। अरे यार फ्रेडी, ये भी हो सकता है किसी ने पेंटिंग बदल दी हो, कोई है जो खेल खेल रहा है, और ये आप में से ही कोई होगा क्योंकि बिल्डिंग में बाहर से कोई आया नहीं है। हम में से कोई? आपका मतलब ये है कि हम एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं? सर मेघना पर जब हमला हुआ था ना तब सारे बिल्डिंग वाले मेरे साथ थे सर, तो फिर इनमें से कोई कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि कोई इनके अलावा है इस बिल्डिंग में छुप के बैठा हुआ है। सर एक बात पूछूं, 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस कैसे आ सकती है? अरे यार यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस नहीं आ सकती है। कोई है जो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल खेल रहा है? अरे साहब दिमाग धोखा दे सकता है लेकिन आंखें नहीं, हमने तो तुम जरा चुप रहोगे? बेटी इसका मतलब साफ है, ये पेंटिंग फेक है, झूठी है। झूठी पेंटिंग? हाँ, एक्सपेक्टेस करके बता देगा ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है या 5 दिन पुरानी। क्या पता चला? Well, एक बात तो कंफर्म है, ये पेंटिंग असली है। क्या? आपको पूरा यकीन है ये पेंटिंग असली है? जी बिल्कुल, ये कैनवास और ये फ्रेम की लकड़ियाँ बहुत पुरानी है, और ये कैनवास करीब करीब 50 साल पुराना है। मैं आर्ट एक्सपर्ट हूँ और आप लोग मेरी बात का यकीन कर सकते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में ये औरत गायब कैसे हो सकती है और बाद में वापस इसी पेंटिंग में दिखाई देने लगती? एक बात बताओ, ये पेंटिंग और किस किस के पास रही है? दरअसल ये पेंटिंग 2 साल पहले ऑक्शन में खरीदी गई थी। खरीदी किसने थी ये पेंटिंग? जिसने भी खरीदी हो, मेरे पास रिकॉर्ड में उसका नाम जरूर होगा। एक मिनट सर। ये रहा, किसी विकास कुमार नाम के शख्स ने ये पेंटिंग खरीदी है, ये है उसकी डिटेल्स। ये तो वही है इसकी लाश हमें फ्लैट में मिली। विकास कुमार को किसी खून के इल्जाम में जेल भी हुई है। ये जेल में था तो फ्लैट में कैसे पहुंचा? जेल से भागकर अजय के घर गया होगा,
शायद ये पेंटिंग लेने के लिए। अब ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो विकास जेल से भागकर अजय के घर में घुसता है और फिर वहीं उसका खून भी होता है। जी सर, ये तो विकास है, खून किया था इसने और कुछ टाइम पहले इसी जेल हॉस्पिटल में था। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग लग गई थी, काफी अफरा तफरी और भगदड़ मच गई थी। उसी का फायदा उठाकर विकास यहाँ से भाग गया। सिर्फ अकेला वही था जो यहाँ से भागा था। उसके शरीर पे जलने के निशान तो मिले थे, यहाँ से भागते समय जल गया होगा। इसे पहचानते हैं आप? कभी यहाँ पे विकास से मिलने आई होगी? ये तो इसी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है सर। इस वक्त कहाँ है ये? ऊपर की मंजिल पर। चलिए दिखाइए। आगे ये नहीं वो। बाद में भाग लेना, पहले हमसे तो मिल लो। चलो, तुम ही ने विकास की मदद की थी ना जेल से भागने में? हाँ, वो विकास अपनी पेंटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान था। जैसे ही उसको पता चला कि उसके घर वालों ने वो पेंटिंग बेच दी है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। बस उसे वो पेंटिंग हर हालत में चाहिए थी। विकास ना किसी औरत का भी जिक्र कर रहा था, उसकी तलाश में था। कौन कौन सी औरत? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता हो। अब ये कौन है दूसरी औरत? विकास की एक और साथी? इसके बारे में तो विकास का कोई जान पहचान वाला ही बता सकता है। और हाँ सर, उस पेंटिंग में ना कोई तो चाबी छिपी हुई थी, जिस चाबी को वो किसी भी हालत में पाना चाहता था। और तुमने वो डायनामाइट क्यों चुराया? विकास ने बोला कि वो डायनामाइट लेकर के आओ और मैंने कर दिया। अब ये चाबी का क्या चक्कर है? पेंटिंग में हमें कोई चाबी तो मिली नहीं। सुनो, मैंने इस केस की उलझी हुई पहेली को सुलझा दिया है। क्या बात है तारिका जी, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है एकदम। अच्छा, कैसे सुलझा दी केस? सर, आपको इस पेंटिंग में से चाबी क्यों नहीं मिली ये बात मुझे पता चल गई है। क्यों क्यों नहीं मिली चाबी? एक मिनट बताती हूँ। क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। क्या पेंटिंग नकली है? तारिका, उस एक्सपर्ट ने सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि ये कैनवस, ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है। हाँ सर, ये कैनवस तो 50 साल पुराना ही है, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल पुरानी नहीं है। खूनी ने बड़े होशियारी से ये पेंटिंग बनाई है कि किसी को पता ही ना चले कि ये नकली है। और वो कैसे? सर, इस पेंटिंग में किए गए रंगों के इस्तेमाल से। मैंने इन रंगों को टेस्ट किया तो इसमें मुझे कुछ खास तरह के केमिकल्स मिले। कैसे कैसे केमिकल्स? ज्यादातर इन केमिकल्स का इस्तेमाल रंगों में किया जाता है ताकि वो रंग या पेंटिंग्स पुरानी लगे। लेकिन खास बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ये केमिकल्स इस्तेमाल में लाया जा रहा है, इससे पहले तो ये केमिकल्स बने नहीं थे। मतलब आपका ये कहना है कि ये पेंटिंग 50 साल पुरानी नहीं है? नहीं, पेंटिंग्स नहीं, कैनवस है। 50 साल पुराना कैनवस, पता लगाना पड़ेगा। 50 साल पुराना कैनवास मिला कहां से होगा? आइए सर। सर, कुछ पेंटिंग जो बिकी नहीं है हमने यहाँ पे रखा है उसने। ये सारी पुरानी पेंटिंग्स है, कुछ 50 साल पुरानी या कुछ उससे भी ज्यादा पुरानी है। ये देखिए सर, सारी की सारी पुरानी। ये देखिए सर, ये सारी 50 साल पुरानी पेंटिंग्स है। 6 पीस, 6 पीस लग तो नहीं रहे। 1, 2, 3, 4। Oh my God! क्या हो गया? सर, इसमें से 2 पेंटिंग्स गायब है। किसी ने 50 साल पुरानी पेंटिंग चुराई, उसके ऊपर मालनी की नकली पेंटिंग बनाई और असली पेंटिंग से बदल दी। हाँ। कौन कौन आता है यहाँ पर तुम्हारे स्टोर रूम में? सर, यहाँ तो मैं और मेरा स्टाफ, और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ तक।
कौन कौन है स्टाफ में, उनकी कोई डिटेल्स है? जी सर, अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए सर, इसमें सारे डिटेल्स हैं। पुष्पा, ये तो अजय की मेड है सर। ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। ये है क्या करती? ये हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करती है। अच्छा, तो पुष्पा ने अच्छी तरह से की है साफ सफाई। अभिजीत, ये पुष्पा जरूर उस बिल्डिंग में किसी के लिए तो काम करती है। हाँ अभिजीत, पूरी बिल्डिंग में कोई भी कहीं भी नहीं दिख रहा है सर, सब गायब है, लगता है भाग गया सर। सर, नौकरानी का भी फोन बंद आ रहा है, हम उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग का एक एक फ्लैट चेक कर लिया सर, सब पे ताला लगा हुआ है। आदमी तो छोड़िए सर, पूरी बिल्डिंग पे चिड़िया भी नहीं है, सब भाग गए। हमने बेसमेंट चेक नहीं किया है सर, तो चेक करते फिर चलो। इतना बड़ा गड्ढा बिल्डिंग के नीचे? गड्ढा यहाँ से कुछ ले जाने के लिए किया गया गड्ढा। लगता तो वैसे ही है, लगता है इस बिल्डिंग के अंदर जो माल छुपाया था यहीं से निकला होगा। वो डायनामाइट नर्स से विकास ने इसीलिए बोला चुराने के लिए, ताकि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा कर सके। पहले पेंटिंग के पीछे से वो चाबी चुराई और अब लूट का माल लेके निकल गए। लूट का माल रखा होगा किसी तिजोरी लॉकर में, वही तिजोरी यहीं से उठाई होगी। ये सारा प्लान इस विकास का है, पर खूनी बीच में आ गया। सर, नौकरानी अकेली तो इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती, वो जरूर इस खूनी की मदद कर रही है। सर, हाँ? सर, विकास से जो औरत जेल में मिलने आती थी उसका नाम याशिका है। याशिका? सर, याशिका विकास की वकील थी और जेल जाने से पहले तक दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता भी था। फिर तो विकास ने इस लूट के बारे में याशिका को जरूर बताया होगा। हाँ, ये याशिका इस वक्त कहाँ है? सर, कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। सर, कहीं ऐसे तो नहीं कि विकास का सीक्रेट याशिका से जानने के बाद इस खूनी ने जानबूझ के उसका एक्सीडेंट करवा दिया रास्ते से हटाने के लिए? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। ये खूनी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, तो उसे पता नहीं अब हम कौन सी चाल चलेंगे। कुछ नहीं था तुम्हारी उस बिल्डिंग में, ना कोई औरत और ना कोई आत्मा, वो तो तुम सबको उस बिल्डिंग से भगाने की चाल थी। और ये चाल थी विकास की। विकास वो आदमी जिसकी लाश हमें अजय के फ्लैट में से मिली। उस बिल्डिंग में विकास ने चोरी का माल छुपा रखा था और वही लेने आया था वो। कैसा चोरी का माल सर? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय खूनी के। उसने वहां विकास का खून कर दिया और लूट का माल वहां से लेके चला गया, और खूनी को लग रहा है कि वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। हा? लूट का माल पाने के लिए खूनी ने विकास को मारा और फिर याशिका को भी मारने की कोशिश की। लूट के बारे में वो याशिका से ही उसे पता चल गया था, लेकिन उसे एक बात पता नहीं, याशिका को मरवाने की कोशिश की पर उस एक्सीडेंट में याशिका मरी नहीं, कोमा में चली गई। और अब याशिका कोमा से बाहर आई है और अब याशिका खुद खूनी का नाम बताएगी, इसीलिए हमने उसे यहां बुलाया। पंकज, याशिका को लेकर आओ। याशिका ने खूनी का नाम बता दिया है। खूनी है? कोई मेरे पास नहीं है। अनीता जी, आप क्या कर रही हैं? अनीता, मैं ऐसे गोली मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ। चलो चलो मेरे साथ,
कोई आगे नहीं आएगा मैं इसे गोली मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। चलो अनिता, चलो मेरे साथ। हो गई क्या? वेरी स्मार्ट। अनिता जी, हमें तो पहले से ही शक था तुम पर, फंस गई ना हमारी चाल में। तुम्हें क्या लगा मुर्दे को जिंदा करके खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ नाम जानकर क्या करोगे, और कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। हाँ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आगे का सच भी तुम हमें बताओगे। याशिका एक रेस्टोरेंट में अपने किसी दोस्त के साथ थी, वो बहुत नशे में थी और उस वक्त मैं भी उनके साथ थी, और तभी मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। क्या क्या सुन लिया तुमने? याशिका विकास की लॉयर थी, और विकास ने उसे बताया कि उसने कहीं से हीरे चुराए हैं जो 20 करोड़ के थे, और इस बारे में विकास ने किसी को नहीं बताया था। और वो हीरे उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपा दिए थे, है ना? हाँ, और जिस बॉक्स में उसने वो हीरे रखे थे वो सिर्फ एक खास चाबी से ही खोला जा सकता था, और वो चाबी उस पेंटिंग में छुपाई गई थी। याशिका खुद अपने उस दोस्त के साथ मिलकर वो हीरे चुराने की प्लानिंग कर रही थी। मगर तुमने सब कुछ सुन लिया था तो तुमने सोचा क्यों ना वो हीरे मैं खुद ही लपेट लूं, इसलिए तुमने याशिका को मार दिया। और फिर मैं उस बिल्डिंग में पहुंच गई और वो पेंटिंग ढूंढी, पर उस बिल्डिंग के बेसमेंट से वो हीरे चुराने से पहले वहां के सारे लोगों को वहां से निकालना जरूरी था। और इसके लिए तुमने नाटक रचा, पेंटिंग वाली औरत की आत्मा का नाटक, जिससे डर के बिल्डिंग के सारे लोग भाग गए। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच में विकास जेल से भागने में कामयाब हो गया, और मैं जानती थी कि वो अपने हीरे लेने और उस पेंटिंग के लिए जरूर वापस आएगा। और फिर औरत की आत्मा बनकर तूने विकास का भी खून किया और पेंटिंग भी चुरा ली। हाँ? लोगों को डराने के लिए मालिनी जैसी दिखने वाली एक एक्ट्रेस को पैसे देकर मैंने सारा काम करवाया, और वो एक्ट्रेस भी मेरे ही फ्लैट में रहती थी, इसीलिए कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो गायब कैसे हो जाती थी। जब हम लोग वहां बिल्डिंग में पहुंचे तुम उससे पहले वहां पे पहुंच गई, और वहां से वो पेंटिंग जिसमें चाबी थी उसे निकाल दिया, और वहां पे वो पेंटिंग रख दी जिसमें चाकू फिट किया गया था। हाँ। और तभी जब विकास ने उस पेंटिंग को निकालने की कोशिश की तब एक्ट्रेस तो अजय के घर पर थी ही नहीं, वॉचमैन ने जिसे देखा वो उसका होलोग्राम था, मैंने तो बस उसके दिमाग से खेला था। वाह अनिता जी, बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन हर मुजरिम अपने प्लान में कहीं ना कहीं तो चूकता ही है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, सोचते बैठना, कहां चुक गई थी तुम अपने इस प्लान में? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।